गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ टिश्यूज, एंड दैट टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज। क्या बोलते हैं अपन? कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, ऐसे टिश्यूज जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ओके, These tissues are known as connective tissues. और बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि ऐसे tissues जो कि substance को एक place से दूसरे place के अंदर transfer करने के अंदर helpful हैं, those tissues are known as connective tissues. So first of all, the first definition is hidden in the word. इस word के अंदर ही hidden है। connective का मतलब क्या हो गया है? ऐसे tissues जो पूरी body को connect कर रहे हैं, those are connecting the whole body. These tissues are known as connective tissues. Basically, these tissues are three types. तीन type के होते हैं। Number is dense connective tissue, number second is loose connective tissue, and number third is specialized connective tissues. Okay, so first of all we'll talk about loose connective tissues. Connective tissues जो है basically तीन type के होते हैं, loose, dense और specialized connective tissues. So first of all we're going to talk about loose connective tissues. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, इनका फंक्शन होता है सिक्रेशन ऑफ फाइबर्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी सेल्स जो है फाइबर्स को सिक्रेट करती हैं। और फाइबर्स कौन से होते हैं? कोलेजन, एंड इलास्टिन फाइबर। इनकी जो सेल्स हैं, दोज आर सिक्रेटिंग कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सबके सेल्स किसको सिक्रेट करती हैं? कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट ब्लड इज नॉट सिक्रेटिंग एनी काइंड ऑफ फाइबर। ब्लड जो है किसी प्रकार के फाइबर्स को सिक्रेट नहीं करता है। सो बात कर रहे थे अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की। लूज कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं लूज वे के अंदर अरेंज होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, वो एक पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जिसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर फाइबर जो है सही तरीके से अरेंज नहीं होते हैं, सिस्टमैटिकली के अंदर अरेंज नहीं होते हैं, दीज आर नोन एज लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, लूज कनेक्टिव टिश्यूज के जो है इसके जो मेनली एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज एरियोलर, एंड नंबर सेकेंड इज एडिपोल। इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट इन द स्किन। ये अपने स्किन के अंदर स्किन के नीचे जो है फैट स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज के अंदर तो जो है फाइबर लूजली अरेंज थे, देर आर वेरी लो नंबर ऑफ फाइबर, एंड फाइबर्स आर कोलेजन एंड इलास्टिन। बट डेंस के अंदर जो है फाइबर्स डेंसली अरेंज होते हैं, फाइबर्स आर अरेंज डेंसली। ओके, और वी कैन सी देयर आर ह्यूज नंबर्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के नंबर बहुत ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अभी डेंस कनेक्टिव टिश्यूज जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, एंड नंबर सेकंड इज इररेगुलर। ओके, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तो जो है फाइबर्स रेगुलर वे के अंदर एक सिस्टम के अंदर अरेंज होते हैं, डेंस तो है, डेंस के अलावा एक सिस्टमेटिक वे के अंदर अरेंज है, और इररेगुलर के अंदर जो है एक सिस्टम के अंदर अरेंज पाए नहीं जाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स आते हैं लाइक टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और इररेगुलर की बात करें स्किन। ओके, इररेगुलर के एग्जांपल क्या है? स्किन, और रेगुलर के एग्जांपल क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट्स।
एक तो जो है बोन को मसल से जोड़ने का काम कर रहे हैं और एक बोन को बोन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। सो वी कैन से दीज आर कनेक्टिंग। और इरेगुलर का एग्जांपल क्या आ रहा है, स्किन आ रहा है। ये रेगुलर एंड इरेगुलर बोथ आर द टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड एल्यूलर एंड एडिपोज आर एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। नंबर थर्ड वी गोना टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वी गोना टॉक अबाउट बोन्स। नंबर सेकंड इज कार्टिलेज एंड नंबर थर्ड इज ब्लड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना टॉक अबाउट कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है बहुत ही सॉफ्ट बोन होती है। इनिशियली जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है बॉम्ब के अंदर, जिस टाइम पे एम्ब्रियो फॉर्म हो रहे हैं, एम्ब्रियो फॉर्म होने के टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर क्या बनती है, कार्टिलेज बनती है। कार्टिलेज को बनाने वाली जो सेल्स होती है उनको जो है कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। इनके अंदर धीरे धीरे जो है कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है और डिपॉजिट होने के बाद में कार्टिलेज क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और हार्ड होने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बोन्स के अंदर। बेसिकली कार्टिलेज जो है अपने ईयर लोब के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा टिप ऑफ नोज के अंदर पाई जाती है और भी कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है। तो कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद में बात करते हैं बोन्स। बोन्स आर द सेकंड टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। बोन्स जो है दीज आर वेरी हार्ड स्ट्रक्चर, दीज आर नॉन पैलिएबल, इनको अपन बेंड नहीं कर सकते हैं। और इनको जो सेल्स बनाती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। उनको अपन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। द सेल्स दीज आर फॉर्मिंग द बोन्स, द सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट। और बेसिकली जो है बोन्स एक तरीके से इसका मॉडिफिकेशन होती है कार्टिलेज का। बोन्स जो है पूरी बॉडी के अंदर पाई जाती है। आई थिंक दीज आर 206 इन द नंबर। ओके, इसके बाद में बात करते हैं थर्ड, दैट इज द ब्लड। दिस इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू बट इसके अंदर किसी भी प्रकार के फाइबर्स पाए नहीं जाते हैं। ब्लड का अपन कंपोजिशन की बात करेंगे तो ब्लड जो है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। नंबर वन इज द प्लाज्मा एंड नंबर सेकंड इज ब्लड कॉर्पस्कल्स। ओके, तो इस तरीके से अपन ने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसके सेल्स जो है फाइबर्स को सीक्रेट कर रही है। फाइबर्स आर कोलेजन एंड इलास्टिन एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड इज नॉट सीक्रेटिंग एनी काइंड ऑफ फाइबर बट रिमेनिंग सेल्स आर सीक्रेटिंग कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इज लूज, नंबर सेकंड इज डेंस, नंबर थर्ड इज स्पेशलाइज। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो एग्जाम्पल, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स जो है मैट्रिक्स के अंदर लूजली अरेंज्ड होते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एल्यूलर एंड एडिपोज, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फैट बीनेथ द स्किन। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर की एग्जाम्पल्स है टेंडन्स एंड लिगामेंट और इरेगुलर की एग्जाम्पल है स्किन। और इसके अलावा अपन बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर बोन्स दे रखी हैं, कार्टिलेज दे रखी हैं और ब्लड दे रखा है। बोन्स जो है इनको फॉर्म करने वाले सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। और इसके अलावा जो बोन्स हैं वो नॉन पैलिएबल हार्ड स्ट्रक्चर होती हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती हैं। और कार्टिलेज जो है सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है, इनको बनाने वाली जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। और ये पैलिएबल होती है, इनको अपन बेंट भी कर सकते हैं। और थर्ड आ रहा है, दैट इज द ब्लड। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कनेक्टिव टिश्यू, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टॉक अ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। Okay, so we have talked about two types of tissues. Number one is the connective and number second is epithelial tissue. Remaining will talk in the next lectures. I hope you have understood. Thanks. Have a nice day.